उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में रस्साकशी की खबरों में एक नया ट्विस्ट आ गया है। 23 दिसंबर को अखिलेश और जयंत की हुई साझा रैली के बाद से जयंत चुनावी रणसखाए अब दिख रहे हैं। इसके बाद ये सवाल उठना शुरू हो गया कि कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर यूपी के दो लड़के एक पेज से हट तो नहीं गए हैं या एक पेज पर नहीं आ पा रहे हैं और जयंत इससे नाराज है। हालांकि जब इन खबरों ने जोर पकड़ा तो जयंत ने इसका खंडन करने में देर नहीं की, लेकिन सवाल यह है कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है या फिर इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है, इसी की पड़ताल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में होगी। 23 दिसंबर को अलीगढ़ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की इस रैली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अखिलेश यादव से कड़ी टक्कर मिलने के संकेत मिले। इसके बाद उम्मीद थी कि अब अखिलेश और जयंत की ये जोड़ी आए दिन नजर आएगी, लेकिन 23 दिसंबर के बाद जयंत चौधरी गायब हो गए, जिसके बाद ये पता चला कि सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन में गांठ पड़ गई है। दरअसल पहले माना जा रहा था कि अखिलेश जयंत को 36 से 40 सीट दे देंगे, लेकिन अखिलेश ने एक दर्जन से कुछ ज्यादा सीटें देने पर सहमति दे दी। अब खबर यह है कि 28 से ज्यादा सीट के लिए अखिलेश तैयार नहीं हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीटों की संख्या को लेकर तो कुछ अड़चने हैं ही हैं, लेकिन कौन सी सीटों पर चुनाव कौन लड़े ये भी एक बात है। मसलन मुजफ्फरनगर जिले की सीटों पर जयंत चौधरी कुछ ज्यादा दावा कर रहे हैं, वहीं मेरठ की जो दो सीटें उन्हें अखिलेश थमा रहे हैं उनमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और इन सभी मुद्दों को लेकर अखिलेश पूरी तरीके से खुलने को तैयार नहीं हो रहे थे, यही जयंत के उद्विग्न होने का कारण बन रही थी। हालांकि गठबंधन में मनमुटाव की खबरें आते ही अखिलेश एक्टिव मोड में आ गए और दरार भरनी शुरू कर दी। इसके बाद जयंत चौधरी की ओर से ये कहा गया कि 10 जनवरी को आगरा की रैली में सब कुछ ठीक होने के संदेश देंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन में सीट के साथ साथ रस्साकशी वर्चस्व की भी है। माना जा रहा है कि अखिलेश इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के दो बड़े जाट चेहरे हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक को पार्टी में शामिल करा लिया है, जबकि पहले इनके आरएलडी के साथ जाने की खबर थी। अब इनकी सीट पर आरएलडी अपना दावा कर रही है। साफ है गठबंधन तो हो गया है, लेकिन शर्तें अभी पूरी तरह से तय नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही गठबंधन में गांठ की खबरें शुरू हुई, दोनों ही दलों ने मामले को संभालना शुरू कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मिथ्या प्रचार कर रहे हैं कि जयंत जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जयंत जी अखिलेश जी निरंतर जनता के बीच में काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी सहयोगी साथी हैं, चाहे वो आरएलडी हो माननीय जयंत चौधरी जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे डॉक्टर संजय चौहान जी हो, सभी लोग, चाहे केशवदेव मौर्य साहब हो, सभी लोग जनमानस में हैं, जनता में हैं। दरअसल जयंत और अखिलेश दोनों ही समझ रहे हैं कि फिलहाल दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो जयंत जैसे ही थोड़ा नाराज हुए, अखिलेश ने तुरंत कमान संभाल ली अपने हाथ में और ये तय हुआ कि सम्मानजनक सीटें तो उनको दी जाएंगी, साथ ही साथ ऐसी सीटें जहां पर आरएलडी नहीं लड़ना चाहती है वहां पर समाजवादी पार्टी, जो कि उसकी कार्य योजना थी कि अपने कुछ उम्मीदवार हैंडपंप के चुनाव चिन्ह यानी जो आरएलडी का है उससे लड़ाया जाए, वो सपा दे देगी आरएलडी को। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।